हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम आरसीसी की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया था और इस इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग के दो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे पहले लेक्चर में। सबसे पहले हमने प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में स्टडी की थी और दूसरा टॉपिक हमने रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की स्टडी की थी। मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी, इन दोनों के बारे में हम अब तक पढ़ चुके। इसके अलावा पहले लेक्चर में ही मैंने आपको आरसीसी में जो भी सिलेबस में है डिटेल्ड कंटेंट समझाया था एंड एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई थी, कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कितने नंबर में आते हैं एंड कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। हमने मतलब बेसिक फाउंडेशन तैयार कर लिया था अपना आरसीसी का पहले लेक्चर में। अब हम दूसरे लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे आज, जिसमें कि हम पहले तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे मटेरियल्स यूज्ड इन आरसीसी, देन आफ्टर नीचे के सभी टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल के लेक्चर में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, क्योंकि कल जो मैंने थ्योरी आपको यहाँ लिखी थी इन दोनों टॉपिक्स की, वो टोटल इंग्लिश में लिख दी थी बट मैं हिंदी में भी साथ में समझा रहा था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स लिख रहे थे कि सर हिंदी में भी साथ में लिख दिया करें, हमें बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस लेक्चर से और आगे तक जितने भी लेक्चर्स आएंगे, अब मैं जो कुछ भी बोर्ड पर लिखूंगा दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा एक एक वर्ड को, ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अब से आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक। तो चलिए, अब हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, टॉपिक नंबर 3 मटेरियल्स यूज्ड इन आरसीसी। हालांकि आरसीसी में जो मटेरियल यूज होते हैं उनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ इससे पिछले लेक्चर में, फिर भी हम इसको यहाँ पर और अच्छे से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और आई थिंक आपने पहले लेक्चर में इन सबको टॉपिक्स को लिख लिया होगा, वहाँ पर मैंने ये दोनों लैंग्वेज में लिखे थे टॉपिक के नाम, आप सबने लिख लिए होंगे। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे अब मटेरियल्स यूज्ड इन आरसीसी। आरसीसी में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, लिखिए, ये पहला चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, समझने की कोशिश करना, इजीली कवर हो जाएगा, आज के इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है। टॉपिक नंबर 3, तीसरा टॉपिक है हमारा मटेरियल्स यूज्ड इन आरसीसी। आरसीसी का पूरा नाम जानते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। मैं सिंपल लिख रहा हूँ, आरसीसी में प्रयोग होने वाले पदार्थ, प्रयोग होने वाले पदार्थ। आरसीसी में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ आर लिखा है, आर मतलब होता है रेनफोर्समेंट। आर मतलब क्या होता है यहाँ पर, आर का मतलब होता है रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्सिंग मटेरियल पहले कौन सा आएगा, रेनफोर्सिंग मटेरियल्स। रेनफोर्सिंग मटेरियल कौन से होते हैं, तो रेनफोर्सिंग मटेरियल को हिंदी में हम कह देंगे प्रबलन पदार्थ या प्रबलित पदार्थ कह दीजिए, अगर प्रबलन लिख दीजिए या प्रबलित पदार्थ। रेनफोर्सिंग मटेरियल पहली चीज, रेनफोर्सिंग मटेरियल में हम स्टील का यूज करते हैं, किसका, स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम रेनफोर्सिंग मटेरियल, एरो लगा के लिख देना आप साथ में, स्टील। स्टील मतलब इस्पात। अब स्टील के बारे में आपको डिटेल में तो खैर एक पूरा सब्जेक्ट है स्टील सिविल इंजीनियरिंग में, आप जब छठे सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ DSS करके एक सब्जेक्ट है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसमें टोटल स्टील के बारे में ही आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट कुछ बेसिक बातें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा स्टील के बारे में। स्टील है रेनफोर्सिंग मटेरियल, तो स्टील ही क्यों है, इसको ही क्यों यूज करते हैं, टॉपिक भी हमारा आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो थोड़ा सा आप पहले ये सुन लीजिए, जो आपने कई बार क्या देखा होगा, आपने स्ट्रक्चर देखी है बनते हुए, जैसे आप किसी के घर पर छत पड़ रही हो तो आप लोगों ने छत देखी होगी डलते हुए, जिसमें हम सरिया यूज करते हैं। तो जब तक हम सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे थे तब तक हम बोलते थे जो हम सरिया देखे हैं, सरिया, ठीक है, सरिया, तो हम कहते थे ये सरिया किसकी है, लोहे की है, ठीक है। ये सरिया हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे पहले जब तक पढ़े नहीं थे हम इसके बारे में, हम कहते थे लोहे की सरिया है, बट हम गलत कहते थे, जो सरिया होती है वो लोहे की नहीं होती, वो स्टील की होती है, किसकी होती है,
स्टील की होती है सरिया, स्टील, स्टील का हिंदी होता है इस्पात, समझ पा रहे हैं, इस्पात होता है। अब आप कहेंगे सर उस पर तो चिम्बक चिपक जाती है, उस पर चिम्बक के चिपकने का रीज़न क्या है, क्योंकि जो स्टील होता है उसका मेन कंपोनेंट आयरन होता है, लोहा स्टील का मुख्य घटक होता है, मेन कंपोनेंट होता है, जिसके कारण कि चुम्बक भी उस पर स्टील की सरिया पर चिपक जाती है। अब आप कहेंगे नहीं सर हम तो खाना खाते हैं बर्तन में, उसको बोलते हैं स्टील के बर्तन है, वो जो स्टील होती है उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। कौन सी स्टील? स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं जिन्हें आप यूज करते हैं, जो चमकते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क में स्टील यूज करते हैं वो कौन सी स्टील होती है? वो माइल्ड स्टील हम यूज कर लेते हैं, HYSD हम यूज कर लेते हैं। एक एक करके सबको बताएंगे आपको, मैं टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट जब पढ़ाऊंगा ना वहाँ पर आपको बता दूंगा स्टील के बारे में सब कुछ, टोटल बता देंगे। इसी चैप्टर में है आपका एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, यहाँ हम रेनफोर्सिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं ना, तो रेनफोर्सिंग मटेरियल में हम स्टील यूज कर रहे हैं, तो हम जब टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्टील के अलग अलग टाइप पढ़ लेंगे। FE 250 ग्रेड की स्टील, FE 415 ग्रेड की स्टील, FE 500 ग्रेड की स्टील, एंड हाई कार्बन स्टील क्या होती है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार क्या होती है, माइल्ड स्टील क्या होती है, इसी में आपको जस्ट समझाएंगे। फिलहाल आप सबसे पहले ये बताइए RCC में जो R वर्ड होता है, R का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्समेंट, तो पहला जो हमारा मटेरियल होता है RCC में कौन सा होता है? रेनफोर्सिंग मटेरियल होता है, यानी प्रबलन पदार्थ होता है जिसे हम स्टील कहते हैं। इतना सभी समझ पा रहे हैं, क्लियर है सबको ये चीज़? और जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में सरिया यूज की जाती है वो लोहे की नहीं होती, वो स्टील की होती है, ठीक है? और ये स्टील बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का स्टील हम यूज कर लेते हैं, जितना लोड आएगा उसके हिसाब से हम स्टील को कंक्रीट में यूज करते हैं। अब स्टील को ही क्यों यूज करते हैं ये आगे समझाएंगे टॉपिक में, क्लियर ना इतना? तो पहला हमारा मटेरियल कौन सा हो गया? पहला हो गया हमारा स्टील, ठीक है, जो कि रेनफोर्सिंग मटेरियल है। दूसरा C4 क्या होता है? C4 सीमेंट होगा, यहाँ पर C4 सीमेंट, C4 हो गया सीमेंट, ठीक है, C4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीमेंट। अब यहाँ पर सीमेंट की अगर हम बात करें तो सीमेंट आप सबने पढ़ा था, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में एक चैप्टर है सीमेंट, इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल में भी एक चैप्टर था सीमेंट आपका, तो वहाँ आपने सीमेंट के बारे में डिटेल स्टडी कर ली होगी। कुछ बातें आपको यहाँ मैं लिखवाऊंगा सीमेंट के बारे में भी, पहले आप एक एक करके मटेरियल के नाम सुन लीजिए। तीसरा सी है, तीसरा सी, C4 हो गया कंक्रीट, C4 क्या हो गया? कंक्रीट। या तो हम इसको सीधे सीमेंट कंक्रीट बोल देते हैं, या फिर हम रेनफोर्समेंट कंक्रीट भी कह देते हैं, या फिर हम रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कहते हैं RCC को, ठीक है। तीसरा क्या हो गया हमारा? कंक्रीट। इतना सभी समझ पा रहे हैं? अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ बता रहा हूँ जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछेगा तब भी आप इसको लिख के आ जाइएगा। डिप्लोमा में पहला चैप्टर नहीं पूछा जाता, पहले चैप्टर में सिर्फ डिजाइन के दोनों मेथड में डिफरेंस पूछता है, WSM LSM में, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है ये चीज़ें। अब ध्यान से सुनेंगे, मैं एक एक करके सभी की बात करता हूँ, ठीक है। कंक्रीट आप सब लोग जानते हैं, कंक्रीट किस किस से मिलकर बना होता है? कंक्रीट में खुद भी क्या होता है? सीमेंट भी होता है कंक्रीट में, इसके अलावा और क्या होता है? सीमेंट के अलावा सैंड होता है, सीमेंट, हिंदी भी लिख दे भाई, हिंदी भी लिख देते हैं, सीमेंट होता है। सीमेंट के अलावा क्या होता है? फाइन एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं महीन मिलावा, महीन मिलावा। और महीन मिलावे के रूप में हम क्या यूज करते हैं? सैंड। क्या यूज करते हैं? सैंड, मतलब बालू का यूज करते हैं, बालू। इतना सभी समझ पा रहे हैं? पहला मटेरियल ये हो गया इसके अंदर पहला, दूसरा हो गया फाइन एग्रीगेट जिसे सैंड कह देंगे, तीसरा होता है कंक्रीट के अंदर क्या? कोर्स एग्रीगेट। ये सब आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, कोर्स एग्रीगेट जिसे मोटा मिलावा कहते हैं, मोटा मिलावा, ठीक है। मोटा मिलावा में हम क्या यूज करेंगे? सैंड हो गया, महीन मिलावा में इसमें ग्रेवल यूज करेंगे, ग्रेवल, ग्रेवल मतलब या तो बजरी कह दो आप या गिट्टी कह दो, मैं यहाँ बजरी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बजरी का यूज करेंगे हम, बजरी। चौथा हमारा यहाँ पर पानी यूज किया जाता है, वाटर यूज किया जाता है, वाटर, वाटर मतलब पानी। तो इतनी सारी चीज़ें मिला करके हमारा क्या बनता है? RCC बनता है। हमने स्टील यूज कर लिया, हमने सीमेंट यूज कर लिया, बालू यूज कर लिया, मोटा मिलावे के रूप में बजरी यूज कर लिया, पानी। अब आपने कहीं पर भी देखा होगा जब छत पड़ती है तो आप सबने देखा कंक्रीट बनते हुए, नॉर्मली सब देखते हैं,
तो आप सबने देखा क्या क्या मिलाते हैं, सीमेंट भी मिलाते हैं, बालू भी मिलाते हैं, गिट्टी भी मिलाते हैं, पानी भी मिलाते हैं, साथ में हम सरिया भी डालते हैं छत में, ठीक है, जिसे हम रेनफोर्सिंग मटेरियल कहेंगे, जो कि स्टील की होती है। क्लियर ना, सभी को समझ आ रहा है इतना? चलिए अब इन मटेरियल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूं मैं यहाँ, तो नोट में आप कुछ बातें लिखेंगे नोट में। पहला नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए, क्या पहला ही पॉइंट, ये पॉइंट जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ सीधे सीधे जेई एग्जाम के पॉइंट हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर आरसीसी, आरसीसी के लिए जो हम पानी यूज करते हैं उसका पीएच मान, पीएच मान कभी भी उसका कम नहीं होना चाहिए, सेल नोट बी लेस देन, सेल नोट बी लेस देन सिक्स, यानी कि सिक्स से कम नहीं होना चाहिए पीएच मान। किसका पीएच मान? पानी का। मैं लिख देता हूं यहां पर आरसीसी के लिए पानी का पीएच मान छह से कम नहीं होना चाहिए, छह से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर छह से कम हो गया तो बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाएगा पानी, और उस अम्लीय पानी को हम यूज नहीं करेंगे आरसीसी में, ठीक है। सभी समझ पा रहे हैं? सीधे कह दीजिए या फिर कंक्रीट में हम यूज नहीं करेंगे, ठीक। फिर कितना होना चाहिए? तो जो पानी के पीएच वैल्यू की रेंज होती है वो छह से ज्यादा और आठ से कम, छह से लेके आठ तक यूज करते हैं पीएच वैल्यू। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, ये क्वेश्चन भी आया है जेई में, रेंज भी पूछा है, पीएच मान पानी का कितना होना चाहिए? छह से आठ तक केवल, ना छह से कम ना आठ से बहुत ज्यादा, ठीक है। सभी समझ पा रहे हैं इस चीज को? एक और पॉइंट आप लिख लीजिए इसमें कंक्रीट से रिलेटिव ही, एक और पॉइंट लिख लेंगे आप, क्या? द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर आरसीसी, द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर आरसीसी के लिए जो हम कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं उसका साइज कितना होता है? मैक्सिमम साइज 20 mm होता है। आरसीसी स्ट्रक्चर लिख दीजिए या केवल आरसीसी लिख दीजिए, कि मतलब है आरसीसी स्ट्रक्चर में हिंदी में लिख दूं यहां पर, आरसीसी संरचना के लिए मोटे मिलावे का अधिकतम साइज मतलब माप 20 mm होती है। कितनी होती है? 20 mm होती है। जो गिट्टी आप यूज करेंगे ना वो 20 mm की यूज करेंगे, ठीक है। 20 mm से ज्यादा मोटे साइज की गिट्टी आप यूज नहीं करेंगे आरसीसी में। हालांकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन जो आपकी डिप्लोमा की बुक में मेंशन कर रखे हैं मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ। अगर यहीं मैं जेई वाला बैच करा रहा होता आपको, तो पहले चैप्टर से कम 100 से 150 MCQs बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर ऐसे, जो मैं आपको यहाँ पर स्किप करना मेरी मजबूरी है, सारे टॉपिक्स को नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ भी। जितना आपके डिप्लोमा के सिलेबस में सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे। इन फ्यूचर आप अगर जेई की प्रिपरेशन करेंगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये बताइए, इतना समझ आ रहा है? हमारा टॉपिक तो यहीं पे कवर हो गया था कि आरसीसी में कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, ये मैंने नाम लिखवा दिए, सिर्फ इतना कवर हो गया था। बाकी ये दो पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए, अब मैं कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा आपको बताने जा रहा हूँ, उनको भी ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अगर आपको चीज़ें जितनी ज़्यादा पता रहेंगी उतना आपको आगे थोड़ी सी हेल्प होगी। इसको नोट कीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ अब, और आगे समझिए। चलिए समझते चलिएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल दोनों भाषाओं का यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेक्चर चाहे जितना बड़ा हो जाए, आज इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे, ताकि कल से हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हो जाएगा, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, डिप्लोमा एग्ज़ाम के लिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। चलिए अब आगे हेडिंग इसी में लिख लीजिए, इसी थर्ड टॉपिक के अंदर ही हेडिंग लिखेंगे आप, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हिंदी में लिख दीजिए, कंक्रीट की
ग्रेड, कंक्रीट की ग्रेड, कंक्रीट की जो ग्रेड है ना वो कंप्रेसिव, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पर बनाई गई है, ठीक है। जितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी उसकी, उसके आधार पर ग्रेड डिसाइड किया गया है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से कंक्रीट तीन टाइप की होती है। पहला जो टाइप रहता है वो रहता है यहाँ पर ऑर्डनरी, कैसी ऑर्डनरी कंक्रीट, यानी हिंदी में साधारण कंक्रीट कहते हैं इसको, ऑर्डनरी कंक्रीट, साधारण कंक्रीट। साधारण कंक्रीट की ग्रेड क्या क्या होती है, M10, M15 और M20, ये तीन ग्रेड है M20, ठीक है। ये मैं आपको जो डेटा दे रहा हूँ ये डिप्लोमा की बुक के अनुसार दे रहा हूँ, जो आपकी खुद की बुक में है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। M20, M15 एंड M10, M15 एंड M20, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट हो गया। दूसरा जो कंक्रीट रहेगा यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट होगा, स्टैंडर्ड कंक्रीट, इसको हिंदी में मानक कंक्रीट कहते हैं। कौन सी, मानक कंक्रीट। ये आपका पढ़ा हुआ है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, पहला चैप्टर केवल इंट्रोडक्शन है ना, तो इसलिए बताना पड़ रहा है, ये सब भी रिवीजन है आपके लिए, कुछ नया नहीं चल रहा अभी। 20 तक यहाँ हो गया, 20 से आगे शुरू हो जाओ, M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55, ये कहाँ तक है, M55 तक होता है स्टैंडर्ड, समझ पा रहे हैं इतना। इसके बाद तीसरा है आपका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हिंदी में कह सकते हैं आप इसको उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, ठीक है, उच्च सामर्थ्य। ये 55 तक हो गया, 55 से आगे 80 तक चलेगा, 55 के बाद 60, फिर M65, M70, 70 के बाद M75 और 80, यस 80 तक है, M75 और M80, ये हो गया। इस तरह से ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से तीन टाइप की अलग अलग कंक्रीट हो गई, समझ पा रहे हैं इतना सभी। अब यहीं से आगे मैं आपको कुछ पॉइंट लिखूंगा इसी के बारे में, RCC में हम कितनी ग्रेड से कम ग्रेड की कंक्रीट यूज नहीं कर सकते, बट उससे पहले इस ग्रेड का थोड़ा सा मतलब आपको समझा दें, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कोई सा एक ले लिया, लाइक डेट मैंने M15 लिख लिया, तो यहाँ पर M का मतलब क्या होता है, M जो रिफर करता है वो M करता है मिक्स को, मिक्स मतलब किस किस चीज़ का, ये मिक्सचर है। इस कंक्रीट में मिक्सचर किस किस चीज़ का होता है, तीन चीज़ का, सीमेंट का, सेंड का, देन ग्रेवल का, ठीक है, तीन चीज होते हैं, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, मिक्सर को दर्शाता है। और जो 15 नंबर लिखा हुआ, ये नंबर यहाँ पर किसको बताता है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को बताता है, किसको, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि कंक्रीट की हिंदी में भी लिखेंगे जरूर आपके लिए, कंक्रीट की अभिलक्षणिक सामर्थ किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ये इसको दर्शाता है, समझ पा रहे हैं सभी। एम या मिक्सर को दर्शाता है, नंबर जो होता है कंक्रीट की अभिलक्षणिक सामर्थ को बताता है। अभिलक्षणिक सामर्थ कंक्रीट की क्या होती है, किसे कहते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आपको जस्ट अभी समझाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इतना सभी समझ पा रहे हैं ना, यहाँ तक सभी को क्लियर है ये चीज़। अब सबसे पहली चीज़, ये मिक्सर बहुत बार पूछा जाता है, ये JEE एग्जाम्स में पूछा है, यानी M15 ग्रेड में सीमेंट सैंड ग्रेवल का मिक्सर कितना लेते हैं, M10 में कितना लेते हैं, M5 में, M20 में, तो कुछ मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर जो मेन है, ठीक है, मैं कुछ लिखवा रहा हूँ मेन कहाँ से शुरू करके, मैं M5 का
पाँच के बाद 7:30 का, 7:30 के बाद 10 का, फिर 15 का, 20 का और 25 का, इन सब का मैं आपको मिक्सचर बता दे रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं आगे इसका? मिक्सचर। मिक्सचर से मतलब समझते हैं, तीनों चीज़ की मात्रा कितनी कितनी है, किस किस की? सीमेंट की मात्रा, सेंड की मात्रा और ग्रेवल की मात्रा। सीमेंट पर सब जगह 1:1 लिख दीजिए, सभी में क्या लिख दीजिए? 1:1, ठीक है। इसके बाद जो सेंड आएगा, यहाँ बीच में रेशियो लगाना होगा हमें, क्या लगाना होगा? रेशियो। तो इसीलिए मैं एरो लगा के दर्शा देता हूँ आपको। मैं ये पढ़ाया था शायद एक लेक्चर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तब मैंने ये पढ़ाया था सबको, अगर किसी को याद हो तो। बाकी आप इतने महान कहाँ हैं जो लंबे समय तक याद रखें चीज़ों को, होंगे कुछ महान। चलिए अब यहाँ 5 लिखा है ना, तो 5 से नीचे को उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, फिर एक बार एक और है, तो यहाँ पर एक की जगह 1.5 ले लीजिए, फिर 1 लिखिए। अब इनको जस्ट डबल कर दीजिए, क्या कर दीजिए? जस्ट डबल। 5 का 2 गुना 10, 4 को 8, 3 का 6, 2 का 4, 1.5 का 2 गुना 3 होता है, 1 का 2 गुना 2 हो गया। तो ये सब इनके क्या आ गए? ये सब रेशियो आ गए इनके, ठीक है। किस किस प्रपोर्शन में हम मिलाते हैं इनको, ये आप लोग ज़रूर याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए, बहुत ज़रूरी है। हालांकि आरसीसी पढ़ने से पहले हमें सीसी की नॉलेज होनी चाहिए, सीमेंट कंक्रीट की। आपने नहीं पढ़ा होगा इसलिए मैं आपको ये चीज़ें भी बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आरसीसी के पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। आरसीसी के पेपर में असली चैप्टर आपका 2nd से स्टार्ट होगा, जो कल की क्लास से शुरू होगा, ठीक। ये बताइए, इतना समझ पा रहे हैं सभी? ये मिक्सचर समझ में आ गया ना, कौन सी ग्रेड में कितना कितना मिक्सचर लेते हैं, सीमेंट सैंड और ग्रेवल का, ठीक है। सीमेंट सैंड मतलब बालू, ग्रेवल मतलब गिट्टी, समझ गए सभी इतना? अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स और लिख दूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, उससे पहले मैं करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिख दूँ एक बार। करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देख लो, ये सब कुछ हटा रहा हूँ मैं, इतना सब समझ गए ना। अब इसके बारे में, कंक्रीट के बारे में सिर्फ इतना और लिख देते हैं, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, देन आफ्टर आरसीसी में हम किस ग्रेड की कंक्रीट का यूज करते हैं, एंड प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग में किस कंक्रीट का यूज करते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में कौन सी ग्रेड की कंक्रीट का यूज करेंगे। कुछ डेटा आपको और दे रहे हैं, उसको और देख लीजिए, पहले इसको रफ कर दें एक बार, हटा दें। चलिए चलिए समझ लीजिए अब, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी अभिलक्षणिक सामर्थ्य। हालांकि ये टॉपिक भी है आगे, आपको वहाँ पर मैं समझा दूंगा थोड़ा सा, और वहाँ पर करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड स्टील दोनों हैं। तो पहले कंक्रीट की करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम यहीं पे समझ लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारा एम ग्रेड में यूज हो गया इसका, इसीलिए। बाकी स्टील की करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आगे समझ लेंगे, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, ये मैं यहाँ पर आपको कंक्रीट की करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसको बाद में पढ़िएगा, पहले इधर देख लीजिए। आपने एक कोई क्यूब बना लिया, क्यूब सभी जानते हैं, क्यूब मतलब घन, क्यूब मतलब घन। ये क्यूब बना दिया आपने कोई भी, ठीक। इस क्यूब का साइज क्या है? ये 15 सेंटीमीटर का क्यूब है, या फिर हम 150 mm बोल सकते हैं, या 15 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, एक ही मतलब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 15 सेंटीमीटर ही इसकी चौड़ाई है, और 15 सेंटीमीटर ही इसकी ऊंचाई या गहराई कह दीजिए, ये है। मतलब 15 सेंटीमीटर का कोई क्यूब लिया आपने, और ये जो क्यूब बनाया है ये कंक्रीट का बनाया है, सीमेंट कंक्रीट का, इसमें रेनफोर्समेंट यूज़ नहीं किया, ओनली सीमेंट कंक्रीट का ये कोई आपने एक क्यूब बना लिया। अब इस क्यूब की आपने प्रॉपर 28 डेज तक, कितने 28 दिन तक की इसकी तराई, लगातार 28 दिन तक इसकी प्रॉपर क्वायरिंग की आपने, तराई की, ठीक है, पानी इसके ऊपर छोड़ा 28 दिनों तक। तराई करने के बाद 28 दिन के बाद आपने इस पर लोड लगाया, क्या लगाया? लोड लगाया, लोड, कंप्रेसिव लोड लगाया। अब कंप्रेसिव लोड जब आप इस पर लगाएंगे, तो लोड लगाने पर अगर इसके टेस्ट रिजल्ट्स केवल 5% तक फॉल करते हैं, सिर्फ कितने 5% तक फेल होते हैं और 95% तक पास हो जाते हैं, तो क्या बोल देंगे हम? तो हम इसको बोल देंगे यह इसकी करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई। करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब जो लोड को ये बियर कर पा रही है जिस सामर्थ्य से, वह सामर्थ्य इसकी क्या कहलाएगी? अभिलक्षणिक सामर्थ्य कहलाएगी। तो यहीं पे मैंने यही चीज़ लिखी है, देख लीजिए, पहले इंग्लिश में समझते हैं फिर हिंदी में।
द स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड फॉर 150 mm क्यूब साइज 150 mm साइज क्यूब एट 28 डेज। यहाँ क्या लिखा है, 150 mm साइज का हम क्यूब लेते हैं कोई और 28 दिन पर निकालते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सीधे सीधे क्वेश्चन ये आता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। अभिलक्षणिक सामर्थ्य कितने दिन पर निकालते हैं, 28 दिन पर। साइज क्या रहता है क्यूब का, 150 mm या फिर 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब डेफिनेशन क्या है इसके देखिए, द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज डेट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, ठीक है, एंड 95% टेस्ट रिजल्ट्स आर पास, यानी 5% से अधिक टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होते, केवल 5% तक टेस्ट रिजल्ट्स फेल हो सकते हैं, इसमें 95% तक पास रहते हैं, ठीक है। 5% तक फेल होने से मतलब क्या है, जो आपका ब्लॉक पहले बना हुआ था अगर इसको बाद में टेस्ट करेंगे तो इसमें 5% ही कमियां पाई जाएंगी, छोटे मोटे क्रैक्स थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, तो पहले के मुकाबले केवल 5% तक इसमें कमी होंगी, बाकी 95% तक पूरी तरह सही होगा ये। इसका मतलब है 5% तक ये केवल फॉल करेगा, ठीक है। या हिंदी में समझ सकते हैं, अभिलक्षणिक सामर्थ्य 150 mm साइज के कंक्रीट के घन पर 28 दिन पर ज्ञात की जाती है। कंक्रीट की अभिलक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य होती है जिस पर 5% से अधिक टेस्ट रिजल्ट्स फॉल नहीं होते हैं तथा 95% टेस्ट रिजल्ट सही प्राप्त होते हैं, मतलब पास रहते हैं। इसे FCK से प्रदर्शित करते हैं और न्यूटन पर mm² में, ठीक है। अब आपको अगर कोई भी कंक्रीट की ग्रेड दे दी जाए, लाइक डेट मैंने M20 ग्रेड लिख दिया, मैंने कहा आप मुझे इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताओ, सी मतलब करेक्टरिस्टिक, एस मतलब स्ट्रेंथ। आपको अगर मैंने इसका करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पूछी, यानी FCK की वैल्यू आपसे मैंने पूछी, इसकी किसकी वैल्यू, FCK की वैल्यू, तो आंख बंद करके बोल सकते हैं एम के साथ जितना नंबर लिखा है ये इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, न्यूटन पर mm² में बता देंगे। मैंने कहा M25 ग्रेड के लिए मुझे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताइए कंक्रीट की, यानी FCK की वैल्यू। M25 के लिए 25 होगी, 25 होगी। M15 के लिए 15 न्यूटन पर mm² होगी। M10 के लिए 10 न्यूटन पर mm² होगी। यानी जिस ग्रेड का भी आपको कंक्रीट दे देगा उस ग्रेड के पीछे जो नंबर लिखा होता है वही उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है न्यूटन पर mm² में। आई होप सो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इसको, यहाँ से देखकर आप नोट कर लीजिए इसको। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक बार लिखवा दूँ, उनको और आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, जो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अभी यही टॉपिक चल रहा है तीसरा ही, ठीक है। RCC में जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। इसको बना लीजिएगा आप डायग्राम को। चलिए अब कुछ नोट पॉइंट लिखिए, इनके नोट्स बनाना आप प्लीज, है ना, क्योंकि आप इन फ्यूचर जब JEE की प्रिपरेशन करेंगे ना तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम ही आपको तैयारी करा देंगे, बस थोड़े रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाए फिर आपका बैच लॉन्च कर देंगे JEE का। चलिए अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, ठीक। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, किस किस ग्रेड की कंक्रीट का यूज करते हैं, इसी के अंदर एक नोट में पॉइंट लिख लीजिए, हेडिंग बना करके छोटी सी हेडिंग क्या बनाएंगे आप, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट used in construction, construction सभी जानते हैं ना, लिख देते हैं भाई हिंदी में भी, अदरवाइज फिर कमेंट करेंगे आप। संरचना में प्रयोग
कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड कौन कौन सी संरचना में, तो अलग अलग टाइप की संरचनाएं आपको यहां दी जाएंगी। जैसे अगर आप पीसीसी वर्क कर रहे हैं, कौन सा पीसीसी वर्क, अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन में पीसीसी का वर्क कर रहे हैं, पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट का कार्य कर रहे हैं, तो न्यूनतम कितनी ग्रेड की आप कंक्रीट का यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इसमें M15 ग्रेड का। किसका? M15 ग्रेड का। पीसीसी कार्य करते समय M15 का यूज कर सकते हैं, M15 से ज़्यादा का यूज आप नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप RCC वर्क कर रहे हैं, RCC वर्क, तो RCC वर्क में किसी भी हालत में आप M20 से कम का यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है। M20 से कम का यूज कभी नहीं करते, M20 का कीजिए, M25 का कीजिए, M30 का कीजिए, RCC वर्क में कभी भी आप M20 से कम का यूज नहीं करते। M20 आप ध्यान रखेंगे RCC वर्क को ही कर रहे हैं आप, तो ठीक। इसके अलावा तीसरा, अगर आप कोई भी वाटर टैंक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वाटर टैंक, पानी का टैंक बना रहे हैं, अच्छा इसमें तो हिंदी नहीं लिखनी ना भाई, इसको तो समझ लेंगे PCC RCC और वाटर टैंक, पानी का कोई टैंक बना रहे हैं, पानी के टैंक के लिए आप M20 ग्रेड की कंक्रीट का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप PCC का यूज कर रहे हैं, किसमें, सी वाटर में, PCC और RCC का यूज सी वाटर में, PCC सब्जेक्टेड टू सी वाटर, सी वाटर मतलब समुद्र के पानी में अगर आप PCC का यूज कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है तो इसमें ग्रेड थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पर आप M15 की जगह M20 का यूज करेंगे, मतलब हम PCC वर्क कर रहे हैं लेकिन किस में, सी वाटर में यूज कर रहे हैं, तो उस केस में M20 ग्रेड की कंक्रीट का आपको यूज करना होगा। एंड ऐसे ही अगर आप RCC वर्क कर रहे हैं, कौन सा वर्क, RCC वर्क, किस में, सी वाटर में, सब्जेक्टेड टू सी वाटर, सी मतलब समुद्र होता है, वाटर मतलब पानी, तो यहाँ पर भी ग्रेड बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर ग्रेड, M30, यस M30 ग्रेड का यूज करेंगे आप, M30 ग्रेड, यहाँ M20 था ना, यहाँ M30 हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। PCC RCC नॉर्मल वर्क करेंगे तो M15 और M20 रहता है, लेकिन सी वाटर में PCC M20 हो जाता है, RCC M30 हो जाता है, वाटर टैंक के केस में M20 ही है। इसके बाद प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में और देख लीजिए, फॉर पोस्ट टेंशनिंग वर्क, पोस्ट टेंशनिंग वर्क, फॉर पोस्ट टेंशनिंग वर्क, अब कहेंगे आप सर ये पोस्ट टेंशनिंग वर्क क्या होता है, और पोस्ट के बाद प्री टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेस, प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेस्ड, प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, कंक्रीट कह दो या वर्क कह दो एक ही मतलब है, यहां भी आप कंक्रीट का यूज कर सकते हैं लिख करके कंक्रीट। तो आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, सबसे लास्ट वाला चैप्टर नंबर 11, प्री स्ट्रेस कंक्रीट नाम से, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट। तो पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट जो होती है उसमें आप दो टाइप पढ़ते हैं, पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग, ठीक है। तो पूर्व तनन और पश्च तनन, इसको हिंदी में पूर्व तनन कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व तनन, प्री वाले को, और पोस्ट वाले को आप पश्च तनन कहते हैं, पश्च तनन। मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, ठीक है। अब चूंकि पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इसमें आगे तक की बातें हो रही हैं, अभी समझ पा रहे हैं आप। तो ये पश्च तनन और पूर्व तनन होता है इसका हिंदी वर्ड, और प्री स्ट्रेस मतलब पूर्व प्रतिबलित, पूर्व प्रतिबलित, प्रबलित नहीं, प्रतिबल जो होता है, स्ट्रेस जो होता है उसे हिंदी में प्रतिबल कहते हैं, मतलब प्रतिबलित कंक्रीट। तो पोस्ट टेंशनिंग में M30, M35 एंड इससे ऊपर का यूज करते हैं आप, किस किस का, M35 ग्रेड एंड एवव, M35 एंड एवव, यानी M35 और इससे उच्च ग्रेड का यूज करेंगे, और प्री टेंशनिंग में M40 एंड एवव का यूज करते हैं, M40 एंड एवव इसका यूज करेंगे। ये मैंने यहाँ पर कुछ आपको कंक्रीट
कंस्ट्रक्शन के वर्क बताए हैं। यहाँ स्ट्रक्चर को संरचना कहते हैं, कंस्ट्रक्शन को सॉरी निर्माण कहेंगे ना, हिंदी में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। निर्माण में निर्माण कार्य क्या लिखेंगे, निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में प्रयोग कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड, तो इनको याद कर लेना। अभी बहुत सारा अच्छा जेई का, अगर मैं आपको कंटेंट की बात करूँ ना, इतना ज़्यादा कंटेंट है जेई का, बहुत ज़्यादा है पहले चैप्टर का। लेकिन अब चूंकि आपके सिलेबस में बुक भी है मेरे पास, जितना सिलेबस में आपके में है मैं वही मेंशन कर रहा हूँ। आप इसी को अगर अच्छे ढंग से याद कर लेंगे तो आपके लिए सुफिशियंट है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा है आपके लिए, अभी एक्सपोजर कंडीशंस वगैरह होती हैं आरसीसी में, वो सब यहाँ नहीं है। बीटेक में आप पढ़ेंगे आगे जाके, बट जेई में सब कुछ पढ़ना होता है, तो वो एक्सपोजर कंडीशंस में आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज आपकी बुक में भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं दे रखा। मैंने सिलेबस आपको पूरा कल दिखाया था, ठीक है। ये चीज़ें थी तो ये मैंने आपको बता दी अच्छे से। अब बोलिए, क्लियर है सभी को ये चीज़? ये चीज़ सभी को क्लियर हुई भाई? चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको सीमेंट की ग्रेड और समझा दूँ एक बारी। ये तो हमने कंक्रीट की ग्रेड देख ली ना, थोड़ी सी सीमेंट की ग्रेड की बात और कर लेते हैं। तीन ग्रेड की सीमेंट ज़्यादा यूज होती है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड की। आपने सुना होगा इसके बारे में थोड़ा सा, थोड़ी उसकी बात करेंगे, फिर आपका आरसीसी में यूज होने वाले मटेरियल पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे। देन आफ्टर फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे, रेनफोर्सिंग मटेरियल के केस में हम स्टील का ही यूज़ क्यों करते हैं, हम बम्बू का यूज़ क्यों नहीं कर लेते, किसी लकड़ी का यूज़ क्यों नहीं कर लेते, सबकी बात करेंगे आगे, ठीक है। इसको हटा दें, चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक, इसी में ग्रेड ऑफ सीमेंट देखते हैं। देखिए ग्रेड ऑफ सीमेंट, अब थोड़ा सा ग्रेड ऑफ सीमेंट के बारे में समझ लेते हैं, बिकॉज आरसीसी में हमारा सीमेंट भी यूज होता है, तो सीमेंट की ग्रेड के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पर हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, बाकी और डिटेल नहीं पूछेगा सीमेंट के, वो अलग सब्जेक्ट हो जाता है, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, है ना। बाकी आरसीसी में हालांकि पूछेगा नहीं है, फिर मैं आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक। अच्छा यहाँ हिंदी की बात मत करना, आप हिंदी में आपको बोल दूंगा, अभी लिखने के लिए जगह नहीं थी इतनी, मैं लिखा नहीं, लेकिन हिंदी में बोल दूंगा, आप साथ साथ नोट कर लेना। बहुत सिंपल इंग्लिश लिखी है मैंने खुद की लैंग्वेज में, बहुत आसान है, समझ लेंगे आप। ग्रेड ऑफ सीमेंट तो समझ में आता ना, सीमेंट का ग्रेड। अब सीमेंट का ग्रेड हम क्या लेते हैं ये सुनेंगे ध्यान से। तो सीमेंट का ग्रेड हमारा तीन ग्रेड होते हैं सीमेंट के, जो मैंने आपके सामने पहले लिख दिया, 33 ग्रेड, हिंदी में आप ऐसे लिख देना, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड, ठीक इस तरह से। अब ये ग्रेड कौन सी सीमेंट के हैं, तो ज़्यादातर केस में हम कंस्ट्रक्शन वर्क में ओपीसी सीमेंट यूज करते हैं। कौन सी? ओपीसी, ओपीसी इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हिंदी में इसको साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। अब ओपीसी सीमेंट के बारे में आपको बिल्डिंग मटेरियल में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा आपके टीचर के द्वारा, बाकी नहीं पढ़ाया तो ये डिटेल में यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए ज़्यादातर जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उनमें ओपीसी सीमेंट सबसे ज़्यादा यूज होती है। यहाँ लिखा है देखिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी, या हिंदी वाले बच्चे इसको साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कह सकते हैं, इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। इसका हिंदी बोल दे रहा हूँ मैं, लिख लीजिए क्या क्या लिखेंगे आप, सामान्यतः सभी निर्माण कार्यों में, नहीं सभी नहीं लिखेंगे, सामान्यतः अधिकतर निर्माण कार्यों में साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, लिख लेंगे इतना। सामान्यतः निर्माण कार्यों में ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज किया जाता है, पहला पॉइंट। आगे देखिए इसमें, द ब्यूरो ऑफ इंडियन सिस्टम्स बीएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हिंदी वाले बच्चे कह सकते हैं इसको क्या? भारतीय ब्यूरो मानक। भारतीय ब्यूरो मानक ने ओपीसी सीमेंट की तीन ग्रेड बताई। किसने बताई? बीएसआई ने, इंडियन यानी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ओपीसी की तीन ग्रेड बताई गई। किस बेस पर बताई थी इन्होंने तीन ग्रेड? तो इन्होंने कंसीडर्ड सीमेंट सैंड मोर्टार क्यूब, इन्होंने क्या किया, सीमेंट और सैंड का मसाला बनाया। मोर्टार मतलब होता है मसाला, मोर्टार मतलब मसाला, इन्होंने सीमेंट और बालू का मसाला बनाया था और उस मसाले को बनाकर क्यूब तैयार किए, और उस क्यूब के फेस का जो एरिया था वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इन्होंने क्यूब बनाए, इन्होंने क्या बनाए, क्यूब,
घन बनाए थे घन, और घन बनाने के बाद इसके जो फेस का एरिया था, जैसे एक फेस आपने ये ले लिया ऊपर वाला टॉप वाला ये वाला फेस, तो इसका जो एरिया था कितना था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो मसाला बनाया था इन्होंने सीमेंट और सैंड का किस रेशियो में लिया था, 1:3 लिया था। अगर आप एक बोरा सीमेंट यूज किया तो 3 बोरा इन्होंने सैंड यूज किया, या किलो में बात करें तो 1 किलो सीमेंट लिया तो 3 किलो सैंड यूज किया, इस रेशियो में इन्होंने मसाला तैयार किया था। समझ आ रहा सभी को ये? अब ग्रेड कौन कौन सी थी, 3 ग्रेड, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। अब इस ग्रेड में ये जो आगे नंबर लिखा दिखाई दे रहा है आपको 33, 43, 53, ये सीमेंट का जो क्यूब बनाया आपने सीमेंट मोर्टार, इसका सीमेंट सैंड के मोर्टार का, सीमेंट बालू मसाले का जो घन तैयार किया है, इस घन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये 28 दिन में न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, वही मैंने यहाँ लिखा है। हियर द ग्रेड नंबर इंडिकेट्स द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्या मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट सैंड मोर्टार क्यूब्स इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एट 28 डेज। अब मुझे लगता है हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे ना इसको इजीली, सभी को समझ आ गया। क्या किया, सबसे पहले जो BSI है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन्होंने जो OPC सीमेंट होता है उसको 3 ग्रेड में बांट दिया अलग अलग, किस किस ग्रेड में, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड में। इन्होंने कैसे इसको क्लासीफाई किया था, इन्होंने एक सीमेंट ली और सैंड ली, सीमेंट और बालू लिया इन्होंने, उसका एक मसाला बनाया, किस अनुपात में मिलाया इनको, 1:3 में मिला करके मसाला तैयार किया और उसका घन बना दिया, क्यूब बना दिया, जिसके फेस का एरिया रखा इन्होंने 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा, इस पर लोड लगा के देखा होगा, जिससे इन्होंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताई अलग अलग, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 मिल गई, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर 28 दिन के बाद, उसको कह दिया 33 ग्रेड का है। जिसकी स्ट्रेंथ 43 के समथिंग मिली उसको 43 ग्रेड की सीमेंट कह दिया, जिसकी स्ट्रेंथ 53 के समथिंग मिली उसको 53 ग्रेड कह दिया। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 53 ग्रेड होता है, बाकी 43 ग्रेड 33 ग्रेड थर्ड क्लास होती है, बिल्कुल बेकार मानी जाती है, ठीक है। ज़्यादातर केस में 53 ग्रेड की सीमेंट हम यूज करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा ये पॉइंट भी आपका। तो अब आपका जो RCC में मटेरियल यूज होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, हालांकि बहुत डिटेल होती है हर एक मटेरियल के, अपने आप में पूरे पूरे चैप्टर होते हैं ये, सीमेंट पूरा चैप्टर होता है, सीमेंट कैसे बनता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है टेस्ट के, कौन कौन सीमेंट के कौन कौन टेस्ट होते हैं, तो वो सब हमें यहाँ डिटेल में नहीं जानना है। हालांकि हमें तो सिर्फ इतना जानना था कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, फिर भी मैंने जो जरूरी चीज़ें थी वो आपको बता दी यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही सीमेंट के बाद आप वाटर यूज करते हैं, वाटर की खुद बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, उनके बारे में भी डिटेल में आपको यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का टॉपिक था। ऐसे ही ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गए, तो ये सब चीज़ें कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट था आपका थर्ड सेमेस्टर में, वहाँ आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आपको एग्जाम टाइम पर हम पास होने के लिए पढ़ा देंगे, डिटेल में नहीं पढ़ा पाएंगे, अभी इतना टाइम नहीं है, इसको पूरा कराएंगे अच्छे से। समझ गए आप लोग इसको? चलिए अब इसको हटाते हैं और चलते हैं चौथे टॉपिक की ओर। अब देखिए समझते हैं चौथा टॉपिक, जिसका नाम है सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज रेनफोर्सिंग मटेरियल, यानी प्रबलन पदार्थ के रूप में इस्पात के प्रयोग का कारण। हम रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में स्टील का ही यूज क्यों करते हैं, किसी और मटेरियल का यूज क्यों नहीं करते, उसका यहाँ पर कारण समझेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं, एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, स्टील इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, टेंशन, सीयर एंड टॉर्जन, यानी जो कंक्रीट होता है कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग है। किस किस में स्ट्रॉन्ग है, ये कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है, ये टेंशन में स्ट्रॉन्ग है, ये सीयर में स्ट्रॉन्ग है और ये टॉर्जन में स्ट्रॉन्ग है। हिंदी में कह सकते हैं इस्पात संपीडन कोमा तनन कोमा कर्तन तथा मरोड़ में अधिक शक्तिशाली होता है, यानी अगर आप इस पर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तब भी सहलेगा उसको आसानी से, आप इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे उसको भी आसानी से सहन कर लेगा, आप इस पर सीयर फोर्स लगाएंगे उसको भी सहन कर लेगा, आप इसमें टॉर्जन लगाएंगे तो उसको भी ये सहलेगा, मतलब इन चारों में काफ़ी स्ट्रांग होता है। पहला रीजन तो ये है इसको यूज करने का कंक्रीट में, समझ पा रहे हैं। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर पर हर तरह का लोड आता है, कंप्रेसिव भी आता है, टेंसाइल भी आता है, सीयर भी आता है, उसमें मरोड़ भी हो जाता है कभी कभी, तो ये सभी को सहन कर सकता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है इन सब में, पहला कारण। इतना समझ आया? दूसरा कारण सुनिए, पहला रीजन हो गया ना, दूसरा देखिए, कंक्रीट डेवलप्स वेरी गुड बॉन्ड विद स्टील, यानी कंक्रीट स्टील के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है,
वेरी गुड बॉन्ड विद स्टील, जो कंक्रीट होता है वो स्टील के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर लेता है, तो कंक्रीट इस्पात के साथ बहुत अच्छा बंध बनाता है या बॉन्डिंग कर लेता है बहुत अच्छी। दूसरा पॉइंट भी आई थिंक सो समझ आ रहा होगा आप सभी को, सिंपल सी थ्योरी है, समझते चलिए। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वेरी यूजफुल है, इंटरव्यू में बहुत बार ये पूछा जाता है। लिखा है स्टील इज डक्टाइल इन बिहेवियर। स्टील कैसा होता है, व्यवहार में डक्टाइल होता है, एक डक्टाइल मटेरियल है। और डक्टिलिटी की सबसे खास बात क्या है, हम इसको लंबाई में खींचते जाएंगे पतले तार के रूप में ना बन जाएगा, उससे पहले टूटेगा ही नहीं, लंबाई बढ़ती जाएगी, बहुत अधिक लंबाई बढ़ने के बाद ही ये टूटता है। ये आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में। तो स्टील कैसा मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। और मोर डक्टिलिटी मीन्स मोर इलोंगेशन, अगर अधिक डक्टिलिटी है किसी भी पदार्थ की तो उसमें इलोंगेशन ज़्यादा होगा, लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी। मोर इलोंगेशन ऑफ स्टील बिफोर फेलियर, फेल होने से पहले स्टील का इलोंगेशन बहुत अधिक हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन सुफिशियंट वार्निंग टाइम बिफोर फेलियर, और ये जो रिजल्ट होता है लंबाई अधिक बढ़ जा रही है, ये हमें सुफिशियंट टाइम दे देता है, वार्निंग टाइम, जिससे कि हम किसी भी, अगर हम किसी भी कंस्ट्रक्शन के नीचे हैं तो उससे निकल के बाहर चले जाएं। जैसे आपका घर बना हुआ है, ध्यान से सुनना, आपके घर में छत पड़ी हुई है और उस छत में अगर स्टील नहीं पड़ी होती, केवल कंक्रीट की बनी हो आपकी छत, तो जब वो टूटेगी तो टूटने से पहले वार्निंग नहीं देगी। कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल एक भंगुर पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ जिसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होती टूटने के बाद, यानी कि टूटने से पहले वो लंबाई बढ़ेगी नहीं, डायरेक्ट टूट जाएगा। जैसे चौक देखा, चौक को आप खींचिए पकड़ के डायरेक्ट टूट जाएगा, गिरा दीजिए टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ेगी। जबकि अगर स्टील इसमें पड़ा होगा तो जैसे इसमें अगर जैसे छत की स्ट्रेंथ कम होगी ना, लोड नहीं सह पाएगा, तो आपकी छत में आपको दरार दिखाई दे जाएगी, क्रैक्स पड़ जाएंगे। वो क्यों पड़ेंगे क्रैक्स, क्योंकि स्टील की लंबाई बढ़ना शुरू होगी, और जब स्टील की लंबाई बढ़ेगी तो उसको जगह चाहिए बढ़ने के लिए, और जगह अवेलेबल कराने के लिए वो क्रैक्स डाल देगा स्ट्रक्चर में। जैसे दरार आ जाए आप इजीली वहां से बाहर जा सकते हैं, कि हो सकता है यहां से छत टूट ना जाए कहीं। कई बार आपने देखा होगा बहुत पुरानी बिल्डिंग्स में स्ट्रक्चर फेल हो जाती है, तो लेकिन उसमें सरिया लटकी रहती है और उसका कंक्रीट ब्लॉक अलग हो जाता है टूट करके, ऐसा बहुत बार देखा होगा आपने कई जगह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, स्टील एक डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल होने के कारण क्या होगा, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फेल होने से पहले, जो कि आपको एक अच्छा वार्निंग टाइम दे देता है, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन से निकल के बाहर जा सकते हैं। तो वही चीज़ तीसरे पॉइंट में डिस्कस की गई है, इस्पात व्यवहार में तन्य होता है, तन्य मतलब डक्टाइल होता है, अधिक तन्यता का अर्थ है इस्पात के असफल होने से पहले इसकी लंबाई में अधिक वृद्धि होगी, जो पर्याप्त चेतावनी समय उपलब्ध कराती है, ठीक है। एंड चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट पढ़ लीजिए, तीसरा समझ के सभी लोग बस इसी फ्लो में समझते चलिए, चीज़ों को आसान लगेगा। फिर चौथा पॉइंट है द स्टील वार्स कैन बी कट, स्टील वार्स कैन बी कट कॉमावेंट लिफ्ट एंड वेल्डेड ईजिली विद कॉमनली अवेलेबल टूल्स एंड मशीन। इसका मतलब क्या है, जो स्टील की छड़ होती है, स्टील वार मतलब हो गया स्टील की छड़, उन स्टील की छड़ों को आप आसानी से काट सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं आसानी से। किसकी सहायता से, जो सामान्य रूप से टूल्स और मशीन उपलब्ध होते हैं उनकी सहायता से, यानी इस पात की छड़ सामान्य रूप से उपलब्ध औजारों एवं मशीनों द्वारा आसानी से काटी, मोड़ी, उठाई तथा बेल्ट की जा सकती हैं, यानी काटी भी जा सकती हैं आसानी से, ये आप मोड़ भी सकते हैं इनको आसानी से किसी भी मशीन या औजार के द्वारा, एंड आप इनको उठा सकते हैं इजीली, और इन पर बेल्टिंग भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। समझ आ रहा है इतना, ये चार पॉइंट हो गए, दो पॉइंट और मैं आपको लिख देता हूँ, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, ठीक है। आप हो सके तो प्लीज़ करके साथ साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि पीडीएफ जब भी हम प्रोवाइड करते हैं ना तो मिक्स लैंग्वेज में नहीं हो पाता है, सबसे बेस्ट तरीका साथ में नोट्स बनाने का। हालांकि पीडीएफ हम दे जरूर देंगे, लेकिन कभी या तो इंग्लिश में मिल जाता है प्रॉपर पीडीएफ आपको, या फिर हिंदी में मिल पाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बाकी जो आगे हम पढ़ेंगे, हालांकि मैं इसका भी पीडीएफ दूंगा, और आगे जो भी हम कुछ पढ़ेंगे सबका पीडीएफ आपको मिलेगा, जैसे पूरा चैप्टर आज कवर हो जाएगा ना, इस पूरे चैप्टर का सिंगल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बट वो प्रॉपर इंग्लिश में हो सकता है पीडीएफ, और इतने अच्छे भी में नहीं मिल पाएगा जितने अच्छे भी में आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए आप इन्हें साथ साथ नोट्स बनाया करें, और जितना अपने हाथ से लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। मैं एक एक बात जो कुछ पढ़ा रहा हूँ सब कुछ लिख भी रहा हूँ साथ में, तो मुझे नहीं लगता आपको पीडीएफ की डिमांड होगी अब अलग से। पीडीएफ सिर्फ इसलिए हेल्पफुल होता है, जब कंबाइंड पीडीएफ रहता है तो लास्ट टाइम पर रिवीजन में हेल्प होती है हमारी, तो वो कंबाइंड पीडीएफ आपको ज़रूर देंगे हम, ठीक है, उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है।
चलिए दो पॉइंट और लिख दूं मैं आपको यहाँ पर। एक पॉइंट तो लिख लीजिए क्या, स्टील की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, चार हो गए थे ना। पांचवा पॉइंट, स्टील हैज लॉन्गर लाइफ, स्टील हैज लॉन्गर लाइफ, स्टील हैज लॉन्गर लाइफ, दिख रहा है इस पेन से लिखा हुआ, थोड़ा फीकी चल रही है मार्कर ये। स्टील हैज लॉन्गर लाइफ, यानी यहाँ लिख देंगे हिंदी में इस्पात की उम्र अधिक होती है। अब भाई हिंदी में आप देख लेना कैसे लिखते हैं उम्र, लाइफ मतलब जिंदगी, उम्र एक ही मतलब है, अधिक होती है मतलब ये आसानी से ख़राब नहीं होता, बहुत लंबे समय तक चलता है। लेकिन अगर खुला छोड़ दिया आपने तो इसके सबसे सबसे बड़ा हानि जानते हैं इसकी क्या है, इस पर जंग बहुत तेज़ी से लगती है। अगर इसीलिए तो हम जब कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं ना तो उसमें कंक्रीट के बाद कवर छोड़ देते हैं, कवर का मतलब थोड़ी सी जगह उपलब्ध करा देते हैं, जैसे अगर कंक्रीट किनारों की टूट भी जाती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा या क्लियर कवर पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये वाला, आगे आपको पढ़ाया जाएगा जब हम इसमें किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं ना, बीम हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कवर कितना छोड़ते हैं, कॉलम में कवर कितना छोड़ते हैं, स्लैब में कवर कितना छोड़ते हैं, फाउंडेशन में कवर कितना छोड़ते हैं एंड क्यों छोड़ते हैं कवर, वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है स्टील का, स्टील पे जंग बहुत तेज़ी से लगता है। अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया मौसम में तो तुरंत जंग खा जाएगा ये, ठीक है। और जंग लगने से क्या होता है, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लूज करना स्टार्ट कर देगा, समझ पा रहे हैं ना। तो इसीलिए इस पर जंग नहीं लगने देना है आपको, तो हम क्लियर कवर छोड़ देते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने कोई बीम बनाई तो बीम में हम क्या करेंगे, जब स्टील प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ साइडों में कंक्रीट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं, कवर छोड़ करके लगाते हैं स्टील को, ठीक है, जिससे कि इस पर जंग ना आए। तो इस्पात की उम्र अधिक होती है, पांचवा पॉइंट, एक और छठा और लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। छठा पॉइंट क्या कहता है, स्टील इज इजीली अवेलेबल, स्टील आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हिंदी में लिख लेना लास्ट लाइन, स्टील यानी इस्पात आसानी से उपलब्ध हो जाता है, आपको इजीली मार्केट में ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके सभी कंप्लीट हो चुका है, 6 पॉइंट थे मेन, इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना, ये 6 पॉइंट इसका रीज़न है। और एक मेरी तरफ से आपके लिए मुफ्त में पॉइंट है, इसको भी आप मेंशन कर लीजिए, स्टील एंड कंक्रीट, यहाँ से लिख लेना, स्टील एंड कंक्रीट हैव सेम लीनियर कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर कोफिशियंट ऑफ एक्सप्रेशन, रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या क्या कर दिया ये, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन, मैं थर्मल लिख दे रहा हूं, ज्यादा अच्छा वर्ड है थर्मल एक्सपेंशन। हिंदी वाले बच्चे क्या लिख देंगे, इस्पात तथा कंक्रीट का ऊष्मीय प्रसार गुणांक समान होता है, ऊष्मीय प्रसार गुणांक, अल्फा ऑफ स्टील इक्वल टू अल्फा ऑफ कंक्रीट, ये भी बहुत बड़ा रीजन है, ये दोनों सेम होते हैं। कितना होता है, कल भी बताया था, 12×10^-6 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। स्टील और कंक्रीट दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है, यानी ऊष्मीय प्रसार गुणांक का मान समान होता है, ये पॉइंट भी आप लोग मेंशन कर लेना, बुक में नहीं दे रखा था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो टॉपिक कवर हो गया आपका ये वाला, अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट के टाइप देखेंगे अब आगे हम, और स्टील रेनफोर्समेंट के टाइप देखने के बाद फिर हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, आपको हमने कंक्रीट की बताई थी, स्टील की साथ में बता देंगे यहीं पे, ठीक है। उसके बाद लोड कौन कौन से आते हैं, बस थोड़ा सा बचा, जल्दी से कवर हो जाएगा 10-15 मिनट में, इसको हटाते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक।
अब देखिए समझते हैं हम अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट यानी प्रबलन इस्पात के प्रकार। अब कौन कौन से टाइप की हमारी रेनफोर्समेंट स्टील होती है, तो मेनली हम दो टाइप की तो यूज करेंगे आपके आरसीसी में, ठीक। बाकी कुछ और भी इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं जो आजकल बहुत प्रचलन में है, उनके नाम भी मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही मैं पाँचवें टॉपिक के साथ साथ छठा टॉपिक भी आपको यहीं डिस्कस कर दूंगा, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। स्टील की जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में भी हम यहीं बात कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बता चुका हूँ अच्छे से डेफिनेशन के साथ, जिसमें हमने 150 mm का क्यूब लिया था और उस पर 28 दिन तक तराई करने के बाद उसकी अलग अलग ग्रेड बताई थी कंक्रीट की, उसमें बताया था आपको करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में कंक्रीट की। यहाँ स्टील की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा समझ लेंगे साथ में, तो आपके दोनों टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखिए स्टील जो रेनफोर्समेंट स्टील हम यूज करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो हम स्टील लगाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में वो स्टील अलग होती है, जो बर्तन में यूज करते हैं वो स्टील अलग होती है। बर्तन वाली जो स्टील है उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं, और हम जो स्टील अपने कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं इसमें एक तो माइल्ड स्टील यूज होती है, दूसरी आपकी HYSD जिसे हम टॉर स्टील भी कहते हैं यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, दूसरी HYSD स्टील यूज होती है। तो माइल्ड स्टील और HYSD स्टील में अंतर क्या है, माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है, और HYSD की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसके अलावा और भी आता है, हाई कार्बन स्टील आता है एक, उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात, इसको हम प्लेन बार कहते हैं। जब आप कभी भी सरिया खरीदने जाएंगे मार्केट में तो एक तो ऐसी आपको सरिया मिलेगी जो प्लेन होगी चारों तरफ से, ठीक, एक मिलेगी जिस पर रब्स बने होंगे, ऐसे कटे होंगे गड्ढे से थोड़े थोड़े ऐसे, ठीक है, चूड़ी सी कटी रहती है हल्की हल्की सी, तो वो वाली आपकी टॉर बार होती है HYSD वाली, जो बिल्कुल प्लेन होती है वो माइल्ड स्टील वाली बार होती है। माइल्ड स्टील की बार की जो ग्रेड होती है वो Fe 250 होती है। Fe 250 या Fe किसको दर्शाता है, ये आयरन को दर्शाता है, ठीक है, आपने फेरस फेरिक पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो वो ये यहाँ Fe सिंबल होता है आयरन का, ठीक है ना। तो आयरन से क्यों दर्शा रहे हैं हम इस स्टील को, क्योंकि आयरन मेन कंपोनेंट होता है स्टील का, इसलिए Fe की टर्म में इसकी ग्रेड को हम लेते हैं। तो माइल्ड स्टील जो होता है उसकी ग्रेड Fe 250 होती है। अब इसमें जो ये 250 नंबर लिखा हुआ है यही स्टील की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, स्टील की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है ये वाली, जो कि न्यूटन पर mm² में होती है। किसमें होती है, न्यूटन पर mm² में। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को हम Fy से दर्शाते हैं, कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हमने Fck से दर्शाया था, इसको हम Fy से दर्शाएंगे इस्पात की अवलाक्षणिक सामर्थ्य को। तो Fe 250 की अवलाक्षणिक सामर्थ्य कितनी होगी, 250 न्यूटन पर mm². डेट मीन्स हम माइल्ड स्टील अब बता देंगे इजीली। माइल्ड स्टील क्या है, एक ऐसी स्टील है जिसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है लेकिन डक्टिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। आपका सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर छठे सेमेस्टर में, वहाँ पर आपको इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, यहाँ इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक, यहाँ बस जो नॉलेज के लिए ज़रूरी है उतना पढ़ लीजिए। माइल्ड स्टील क्या होता है, प्लेन बार होती है, इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेड क्या है, Fe 250 ग्रेड है। इसकी अवलाक्षणिक सामर्थ्य Fy बराबर 250 न्यूटन पर mm² होता है। दूसरी स्टील की बात करते हैं HYSD, ठीक है, इसका दूसरा नाम टॉर स्टील होता है, टॉर स्टील। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, उच्च पराभव सामर्थ्य विरूपित छड़, ठीक। इसकी दो अलग अलग ग्रेड होती हैं, Fe 415 ग्रेड और Fe 500 ग्रेड की होती हैं। इसको हम टॉर 40 कहते हैं, इसको अगर बात करें तो टॉर 40 बोलते हैं, टॉर 40 जो Fe 415 ग्रेड की स्टील होती है इसको टॉर 40 कहते हैं, और इसको हम टॉर 50 कहते हैं, टॉर 50 500 वाली को, टॉर 50 टॉर 40 होती है। इन दोनों की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होंगी, ये 415 इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और 500 वाली की 500 करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी न्यूटन पर mm² में। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है ना, ये तो स्टील वो है जो आप RCC में यूज करने वाले हैं। अब बाकी ये नीचे कुछ स्टील मैंने यहाँ लिख दिया, ये बहुत ज़्यादा हैवी स्टील होती हैं, जैसे हार्ड ड्राउन स्टील वायर फैब्रिक, एक ऐसा तार जो बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राउन होता है, ठीक है, इसको हम वायर मेस में यूज करते हैं, वायर मेस में इसका यूज किया जाता है। आप इसको लिखना मत, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहे हैं। रोल्ड स्टील मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल्ड स्टील मेंबर, जब आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे छठे सेमेस्टर में तो सभी सेक्शन वहाँ पर रोल्ड स्टील के ही होंगे, टी सेक्शन होगा, एंगल सेक्शन होगा, पढ़ेंगे आप इन सब चीज़ों को, एंगल पढ़ेंगे, टी सेक्शन जॉइंट पढ़ेंगे, चैनल सेक्शन पढ़ेंगे, आप बीम पढ़ेंगे रोल्ड स्टील की, ठीक है, ISMB ISLB आगे की चीज़ें हैं वो सब रोल्ड स्टील मेंबर्स होते हैं ये, ठीक, ये आप स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ लेंगे।
टीएमटी और सीआरएस बहुत यूज में, आजकल यूज में मार्केट में बहुत चल रहा है। टीएमटी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स टीएमटी बहुत हैवी स्ट्रेंथ वाली है। सीआरएस कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील होती है जो कोरोजन को रेजिस्ट करती है, यानी जंग नहीं लगती इस पर आसानी से सीआरएस वाली स्टील पे, समझ पा रहे हैं। लेटेस्ट इन यूज डिफॉर्म्ड बार हैं जो लेटेस्ट यूज में है आजकल टीएमटी और सीआरएस। तो ये आपको नहीं लिखनी है, जस्ट नॉलेज के लिए था। आप ये अपने नोट्स में जरूर लिखें जो मैंने ऊपर एक टेबल जैसा बना दिया है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। इतना बोलिए, सभी को क्लियर हुआ ये चीज़? यहाँ तक सभी को क्लियर है भाइयों? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड की। बस छोटे छोटे दो टॉपिक बचे हैं, उन दोनों को और समझा दें आपको, फिर ये पहला चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। तो चलिए समझते हैं अब टॉपिक नंबर 7, टाइप्स ऑफ लोड ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर्स, यानी आरसीसी संरचना के ऊपर भार के प्रकार। जो हमारी स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं आरसीसी की, उसके ऊपर कितने टाइप के लोड आते हैं, और इन सभी टाइप्स के लोड पर आधारित आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे जब डिज़ाइन करेंगे उस समय, ठीक है। तो टोटल 5 टाइप के लोड हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर कार्य करते हैं। सबसे पहला लोड है हमारा डेड लोड्स, नाम से ही पता चल रहा है, डेड मतलब मरा हुआ, यानी कि अचल भार जो चल फिर नहीं सकता। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, हालांकि यहां पर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूछा जाता है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप सुन लेंगे। अचल मतलब जो चल फिर नहीं सकते, यानी ऐसे लोड जिनकी टाइम के साथ पोजिशन चेंज, जिनकी टाइम के साथ पोजिशन चेंज नहीं होती, टाइम के साथ पोजिशन चेंज नहीं होती उन्हें क्या कहेंगे हम, टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होती उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे डेड लोड। जैसे जैसे कोई बीम बनी हुई है, आपकी बीम है, उस बीम के ऊपर छत है, तो बीम के ऊपर छत का जो भार आ रहा है वो लाइफ टाइम बीम के ऊपर ही रहेगा, वहाँ से हटेगा नहीं, समझ पा रहे। यानी समय के साथ उसकी पोजीशन नहीं बदल रही तो उसको हम बोल देंगे वो क्या है, डेड लोड है। तो ऐसा कोई भी लोड जिसकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होती है उसे हम डेड लोड कहते हैं, समझ पा रहे इतना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया स्लैब का लोड ऑन आरसीसी बीम, आरसीसी बीम के ऊपर स्लैब का लोड आ रहा है वो क्या है, वह एक डेड लोड है। अब बात करते हैं लाइव लोड की। डेड लोड का जस्ट अपोजिट हो जाएगा लाइव लोड, यानी चल भार जो चल फिर सकता है। लाइक डेड, जैसे हम लोग हैं अपनी छत पर चढ़ते हैं हम, तो हमारा जो भार है वो छत के ऊपर कैसा होगा, वो लाइव लोड होगा, क्योंकि हमारी टाइम के साथ पोजिशन बदलती रहेगी। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी 10 सेकंड बाद फिर मैं इधर आ गया, तो मेरी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, डेट मीन्स मेरा जो लोड आ रहा है इस फ्लोर के ऊपर ये कैसा हो गया, लाइव लोड हो गया, यानी चल भार हो गया। इस लाइव लोड का ही दूसरा नाम होता है इम्पोज्ड लोड, यानी अध्यारोपित भार। ये ऑलवेज टाइम यूडीएल की फॉर्म में लिया जाता है, हमेशा यूडीएल की फॉर्म में होता है इम्पोज्ड लोड जो होता है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में कहेगा किसी आरसीसी बीम पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है या इम्पोज्ड लोड लगा है, तो वो यूडीएल ही होगा। इतना सभी समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा विंड लोड, विंड मतलब वायु का भार। जब तेज हवा चलती है तो स्ट्रक्चर के ऊपर उसका भी लोड कार्य करता है, तो वो विंड लोड हो जाएगा, हवा का भार। ऐसे ही सेम स्नो लोड, स्नो लोड मतलब बर्फ का भार। जब ओले वगैरह पड़ते हैं तो जब उसका जो भार काम करेगा बर्फ का, हालांकि स्नो अलग होता है ओले अलग होते हैं, तो स्नो का लोड भी आइस फॉर्म में ही होती है बारिश, उसको स्नो बोलते हैं, जो आइस फॉर्म में बारिश होगी तो उसका जो लोड होगा उसको स्नो लोड कहते हैं। हालांकि रेन के लोड को आरसीसी स्ट्रक्चर में कंसीडर नहीं किया जाता है, बारिश का जो भार होता है उसको कंसीडर नहीं करते हम आरसीसी स्ट्रक्चर पर। ये क्वेश्चन DFCCIL के JEE एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लोड कंसीडर नहीं करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर पर, तो रेन का लोड, बारिश का भार नहीं लिया जाता, जबकि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों लिए जाते हैं। ऐसे अगर आप यहाँ देखेंगे अगला टाइप अर्थक्वेक लोड हो गया, भूकंप भार, ठीक है। तो भूकंप भार मतलब जब भी कभी भूकंप आते हैं तो उनका जो लोड एक्ट करता है किसी भी स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर में कंपन होना शुरू हो जाता है, तो वो आपका अर्थक्वेक लोड हो जाएगा। ये तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इनको डिफाइन कर दिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इनका IS कोड क्या होता है, IS कोड क्या होता है इन लोड्स का। तो जितने भी लोड है ना, अधिकतर लोड का IS कोड 800 IS 875 होता है। क्या होता है, लोड का जो IS कोड होता है वो कितना होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कह दीजिए आप IS कोड को 875, ठीक है। इतना सभी समझ पा रहे हैं। अब डेड लोड का IS 875 पार्ट 1 होता है, ये सभी 1987 में दिए गए थे कोड, तो 1987 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी 1987, यहाँ भी 1987,
और यहाँ भी 1987। शुरू के जो चार हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, सीक्वेंस में याद रखना, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और स्नो लोड। समझ पा रहे हैं सभी को, क्लियर है? तो कितना कितना हो जाएगा आईएस कोड, इसका कोड रहेगा IS 875, ये पार्ट वन है। इसका जो लाइव लोड है इसका रहेगा IS 875 पार्ट टू, और विंड लोड का IS 875 पार्ट थ्री रहेगा, स्नो लोड का IS 875 पार्ट फोर रहेगा। सबके सब 1987 के हैं, तो आईएस कोड भी चारों के याद हो गए। डेड लोड का कितना आईएस कोड होता है 875 पार्ट वन, लाइव लोड का कितना होता है IS 875 पार्ट टू, इसके बाद आपका विंड लोड का कितना होता है IS 875 पार्ट थ्री, देन आफ्टर स्नो लोड का कितना होता है IS 875 पार्ट फोर होता है। जो पांचवा अर्थक्वेक लोड है इसका आईएस कोड अलग होता है, इसका आईएस कोड 1893 से लेकर के 2002 तक का पार्ट वन है। IS 1893 से 2002 का पार्ट वन है इसका आईएस कोड। ये आईएस कोड भी आप याद रखिएगा, हालांकि आप सबको पता होना चाहिए आरसीसी का आईएस कोड, मेन सब्जेक्ट आपका आरसीसी है, और आरसीसी का जो आईएस कोड होता है वो होता है IS 456, कितना 456 2000। ये किसका आईएस कोड है? ये आरसीसी का आईएस कोड है। स्टील का आईएस कोड कोई बता सकता है? स्टील का आईएस कोड कितना होता है कमेंट सेक्शन में आप सबको जरूर लिखना है, ठीक है? बाकी आप स्टील स्ट्रक्चर छठे सेमेस्टर में पढ़ेंगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए स्टील आईएस कोड का मतलब। समझते हैं, आईएस कोड का मतलब है जो भी वैल्यू हम अपने से मानेंगे इसमें, वे सभी वैल्यूज आईएस कोड ने रिकमेंड किए हैं। एक कोड मतलब है, एक मीटिंग होती है जो बड़े बड़े विभाग के अधिकारी लोग होते हैं ना, वो मीटिंग करते हैं अपनी, उस मीटिंग में कुछ वैल्यूज डिसाइड की जाती हैं कि इसके लिए ये वैल्यू फिक्स कर दी गई है। जैसे इन्होंने कह दिया कि डेड लोड है, किसी भी स्ट्रक्चर का डेड लोड आपको फाइंड आउट करना है, किसी स्ट्रक्चर का डेड लोड कह दिया इतना है, तो कह दिया आईएस कोड 875 पार्ट 1 के अनुसार उन्होंने कह दिया कि इसका डेड लोड इसके अनुसार इतना लिया गया है। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी तरह से आरसीसी का जो आईएस कोड है कितना है IS 456 2000 होता है। ये कोड भी आप लोग याद कर लें, इन फ्यूचर आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप्स ऑफ लोड समझ आए होंगे। पांच टाइप के लोड हैं, पांचों को डिफाइन किया मैंने, इनके कोड आपको समझा दिए कौन कौन से कोड यूज होते हैं। अब आपका अंतिम टॉपिक है मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन, यानी कि जो हम आरसीसी अविकल्पन करते हैं उसकी विधियां कौन कौन सी है, डिजाइन के मेथड कौन कौन से हैं। तीन मेथड हैं डिजाइन के, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा अल्टीमेट लोड मेथड, तीसरा लिमिट स्टेट मेथड, यानी कार्यकारी प्रतिबल विधि, चरम भार विधि और सीमांत अवस्था विधि, ठीक है? तो आपके सिलेबस में वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है ये, और ये क्वेश्चन आपके लिए तब कराया जाएगा जब आप इन दोनों मेथड को सीख लेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। क्वेश्चन है, क्या लिखना है आपको? डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड, कार्यकारी प्रतिबल विधि तथा सीमांत अवस्था विधि में अंतर ज्ञात कीजिए या अंतर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अभी के लिए इसको लिख लीजिए। ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं ये दोनों चैप्टर कराऊंगा। ये अपने आप में पूरा चैप्टर है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी एक चैप्टर है और दूसरा चैप्टर क्या है, लिमिट स्टेट मेथड दूसरा चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर को हम जब पढ़ लेंगे उसके बाद इनका अंतर हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो इसको अभी के लिए हम होल्ड करेंगे, और इसको कब पढ़ेंगे हम, जब ये दोनों चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अब समझ में आ गया होगा। हमने ओवरऑल जितना भी कंटेंट था इस चैप्टर के अंदर सब डिस्कस कर लिया है। पहले दो टॉपिक हमने इससे पिछले लेक्चर में कवर किए थे, बाकी सभी टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। इस तरह से हमारा एक चैप्टर आरसीसी का दो लेक्चर में पूरा कवर हो गया। अब हम अगला और नया चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम रहेगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे, फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, डेरिवेशन भी देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे आप लोग। तो इसी तरह से जुड़े रहेंगे जीटेक पॉली के साथ। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, अपने और भी दोस्तों में क्लास को शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।